नमस्कार दोस्तों, AWPL एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे AWPL के बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है इको आरोग्यम टी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे चाय के क्या क्या फायदे हैं, AWPL का जो इको आरोग्यम टी है वो कहाँ की चाय पत्ती है और इसमें कौन कौन से कंपोजिशन मिलाए गए हैं और उन सब कंपोजिशन के हमारे शरीर में क्या क्या बेनिफिट है, पूरी जानकारी विस्तार से हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे चाय के क्या क्या फायदे हैं। नंबर एक, चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं, जिससे शरीर को फुर्ती का एहसास होता है। नंबर दो, चाय में मौजूद एमिनो एसिड दिमाग को ज्यादा अलर्ट और शांत रखता है। नंबर तीन, चाय में एंटीजेन होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल क्षमता प्रदान करते हैं। नंबर चार, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम सही रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। नंबर पांच, चाय बुढ़ापे की रफ्तार को भी कम करती है और शरीर को उम्र के साथ होने वाले नुकसान से बचाती है। नंबर छह, चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़ा लगने से भी रोकता है। नंबर सात, इतना ही नहीं बल्कि कई रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि चाय कैंसर, हाई कोलेस्ट्रोल, एलर्जी, लीवर और दिल की बीमारियों में भी फायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों, अभी हम जानते हैं इको आरोग्यम टी कहां की चाय पत्ती है और वहां की चाय पत्ती का क्या महत्व है। दोस्तों, इको आरोग्यम टी दार्जिलिंग की चाय पत्ती है, जो कि 97.2% दार्जिलिंग चाय पत्ती है और दार्जिलिंग चाय पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स चाय की सुगंध और स्वाद दुनिया में अद्वितीय है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में कुल 78 चाय के बागान है, जिन्हें भारतीय चाय बोर्ड द्वारा दार्जिलिंग चाय के रूप में अपनी उपज का दर्जा दिया गया है। यह संपदा 17,500 हेक्टेयर से अधिक कवर करती है, जो कि जिले के लगभग 50% लोगों को शामिल करते हुए 9 मिलियन किलो से अधिक चाय का उत्पादन करती है। दार्जिलिंग में डॉक्टर ए कैंपियल द्वारा 700 फीट की ऊंचाई पर बीज का पहला परीक्षण वृक्षारोपण किया गया था और 1845 में सरकार द्वारा दार्जिलिंग में एक प्रायोगिक नर्सरी स्थापित की गई थी। 1947 में सरकार ने लेवोंग में एक नर्सरी लगाई और बाकी जैसा कि वो कहते हैं वैसा इतिहास है। दार्जिलिंग अभी भी चाय निर्माण के मूल तरीकों का निर्माण करता है, जिसे ऑर्थोडॉक्स चाय निर्माण के रूप में जाना जाता है। ऑर्गेनिक टी प्राकृतिक खाद और पारिस्थितिकी रूप में टिकाऊ प्रथाओं का उपयोग करके उगाई जाने वाली चाय को दिया गया नाम है। एक जैविक चाय बागान में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे इको आरोग्यम टी में कौन कौन से कंपोजिशन मिलाए गए हैं। नंबर एक, अश्वगंधा। नंबर दो, मुलेठी। नंबर तीन, तुलसी। नंबर चार, अदरक। नंबर पांच, इलायची और नंबर छह, काली मिर्च। तो दोस्तों, इस प्रकार से इको आरोग्यम टी 6 कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं अश्वगंधा के क्या क्या फायदे हैं। नंबर एक, यह इंसुलिन पैदा करके शुगर के स्तर को कम करता है। नंबर दो, यह स्ट्रेस की प्रतिक्रिया को कम करके हमें फायदा देता है। नंबर तीन, यह शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि और शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाता है। नंबर चार, मांसपेशियों की ताकत में बढ़ोतरी करना और कमजोरी दूर करना इसके काम है। नंबर पांच, अश्वगंधा में हेमाटोपोएटिक गुण होते हैं, जो लाल और सफेद दोनों कोशिकाओं की गिनती बढ़ाता है। नंबर छह, अश्वगंधा ऑक्सीडेंट का भंडार होता है। दोस्तों, अगला जो कंपोजिशन है वो है मुलेठी। मुलेठी के क्या क्या फायदे हैं। नंबर एक, मुलेठी गले में खराश, गले की जलन और खांसी के इलाज में सहायक है। नंबर दो, मुलेठी में सीरम कोलेस्ट्रोल के स्तर और हेपेटिक कोलेस्ट्रोल को कम करने की क्षमता होती है। नंबर तीन, पेशाब की जलन मुलेठी के सेवन से कम होती है और पेशाब की रुकावट भी दूर होती है।
दोस्तों अगला जो कंपोजिशन है वो है तुलसी। तुलसी के क्या क्या फायदे हैं? नंबर एक, सांस की बीमारी, मुंह के रोग, बुखार, दमा और फेफड़ों की बीमारी सहित कई रोगों के इलाज में तुलसी के पत्ते रामबाण साबित होते हैं। नंबर दो, तुलसी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रात्मक रोगों से छुटकारा भी मिलता है। नंबर तीन, तुलसी से वृद्धि तेज होती है और दिमागी ताकत बढ़ती है। नंबर चार, तुलसी से गले के रोगों से काफी हद तक राहत मिलती है। नंबर पांच, ये सूखी खांसी और अस्थमा में काफी हद तक राहत देता है। दोस्तों अगला जो कंपोजिशन है वो है अदरक। अदरक के क्या क्या फायदे हैं? अदरक में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो मुक्त कण के प्रभाव को कम करने के लिए जाने जाते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है। नंबर दो, अदरक पाउडर सिर दर्द और माइग्रेन से राहत देता है। नंबर तीन, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक जैसे कि बीटा कैरोटीन, कैप्सिन और करक्यूमिन आदि की भरपूर मात्रा पाई जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोजिशन है वो है इलायची। इलायची के क्या क्या फायदे हैं? नंबर एक, इलायची खाने से आपको कभी सांस की बीमारी नहीं होगी। अगर आपको अस्थमा, लंग में कोई इंस्पेक्शन, तो बड़ी इलायची का सेवन करने से ठीक हो सकता है। नंबर दो, आपके बॉडी से खराब और जहरीली चीजों को निकाल बाहर करने में भी इलायची मदद करता है। नंबर तीन, यह ना सिर्फ मुंह के बदबू या यूं कहें मुंह की गंदी स्मेल को दूर करता है बल्कि मुंह के अंदर होने वाली कोई भी इंस्पेक्शन या घावों को ठीक करने में भी काम करता है। दोस्तों अगला जो कंपोजिशन है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के क्या क्या फायदे हैं? नंबर एक, काली मिर्च में पिपराइन मौजूद होती है और उसमें एंटी डिप्रेसेंट के गुण होते हैं जिस कारण लोगों की टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने में मदद करती है। नंबर दो, काली मिर्च से मसूड़ों के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। नंबर तीन, काली मिर्च के इस्तेमाल करने से पेट में कीड़ों की समस्या दूर होती है। नंबर चार, काली मिर्च में विटामिन सी, विटामिन ए, फ्लेवोनाइड्स, कारोटेन्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से इको आरोग्यम टी इन छह कंपोजिशन से मिलकर बनाई गई है। अभी हम जानेंगे इको आरोग्यम टी का MRP कितना है, DP कितना है, SP कितने हैं और क्वांटिटी कितनी है। दोस्तों अगर हम बात करें इको आरोग्यम टी के MRP की तो इसका MRP प्राइस ₹149 है, इसका DP प्राइस ₹125 है और सेल पॉइंट की बात करें तो 0.25 इसका सेल पॉइंट है और इसकी क्वांटिटी 250 ग्राम में ये पैकिंग होता है। तो दोस्तों ये था हमारा इको आरोग्यम टी। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।